Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही मैं सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय हूँ स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत है हम आपके समक्ष साइबर अपराध का जो कोर्स लेकर आ रहे हैं आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर नंबर थ्री व्याख्यान क्रमांक थ्री है और इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे साइबर स्पेस को सेंसर करने के आवश्यक के, के बारे में आ, ये हमारी विषय वस्तु है जो हम जिसके बारे में अगले एक घंटे में आपसे चर्चा करेंगे और सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि हमें साइबर स्पेस को सेंसर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है किन कारणों से हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अनुच्छेद 19 एक ए में आर्टिकल नाइनटीन वन ए में हमारे संविधान में ये एक मूलभूत राइट फंडामेंटल राइट है जो मौलिक अधिकार है सबको दिया जाता है फिर हमें जो है ऐसे घरेलू भाषण को हम रोकने का प्रयास क्यों करते हैं इस तरह की स्पीच को हम रोकने का प्रयास क्यों करते हैं विश्व के सभी देशों में इस तरह के हम चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए चाहे यूरोपीय देशों की बात कर लीजिए सभी जगह इस तरह के भाषणों को हम रोकने का प्रयास करते हैं हमें इंटरनेट को स्पेंसर करने की आवश्यकता पड़ती है क्यों ये कुछ कारण है लाइबल पॉर्नोग्राफी लोग जो है एक दूसरे के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ उनको बुरी नज़र में दिखाने वाली डेफोमेटरी टिप्पणियाँ करते हैं आ, जो है पॉर्नोग्राफी सेक्स और यौन आ, आ, से संबंधित चीज़ें इंटरनेट पर डालते हैं विध्वंसक सूचना यानी कि सबवर सिव इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डालते हैं इन सब चीज़ों को हमें कर्व करने की आवश्यकता पड़ती है अभद्र भाषा जो है हेड स्पीच है एक दूसरे के बारे में गलत नस्लवादी टिप्पणियां करना आ, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या जात के लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना आ, जहर उगलना लोगों के खिलाफ ये इसको हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है दंगे भड़क जाए आपने देखा होगा कि जब भी कहीं दंगे होते हैं या कुछ होता है अभी आजकल जो है फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो इंटरनेट को हमें बंद करना पड़ता है आ, क्यों ताकि क्योंकि लोग जो है अफवाह फैलाते हैं झूठ प्रसारित करते हैं तो उसके लिए जो है क्योंकि भावनाएं भड़क सकती है इसलिए हम उसको एहतियात के तौर पे कर्व करते हैं जो लोगों की निजता है प्रवेसी है जो उसके संबंधित जानकारी को हम गोपनीय रखना चाहते हैं उसको तो गोपनीयता का संरक्षण करने के लिए हम इंटरनेट पे कर्ब लगाते हैं इसलिए जो है करते हैं देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बढ़िया बात है और इंटरनेट से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है आवश्यक है पर ये कुछ कारणों में हमें उनको करना पड़ता है अब आप अश्लील चीज़ दिखाएंगे अश्लील चीज़ का प्रसारण करेंगे देवी देवताओं के बारे में अश्लीलता फैलाएंगे तो इस बारे में इंटरनेट को कर्ब करना आवश्यक होता है विध्वंसक बातें करेंगे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए ये फलाना देश के और ये सब इस तरह की आप बातें करते हैं तो वो करना उसको जो है कर्व करना आवश्यक है हम ही नहीं इटली इंग्लैंड जैसे मुल्कों ने इस बारे में जो है एक्शन लिया हुआ है उसके हम चर्चा करेंगे देखिए राष्ट्रीय इन्फोर्समेंट राष्ट्रीय प्रवर्तन के एक कुछ अंत इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं सीमाएं हैं बाउंड्रीज हैं जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा आ, ये इंटरनेट से जो संबंधित वस्तुएं हैं उन्हें जो है हमें आ, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी कितना भी अमेरिका इतना पावरफुल मुल्क है इतना पावरफुल देश है जो है पर फिर भी वो अकेले नहीं सॉल्व कर पाते हैं समस्याएं है, इंटरनेट से संबंधित तो एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानदंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डेवलप करने की आवश्यकता है एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी नॉर्म को बनाने की आवश्यकता है ऐसा एक मेकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है और मेरी नज़र में और कई स्कॉलर्स की नज़र में जस्ट कोजन जो एक पेरेंटरी नॉम है आपने इसके बारे में पहले जरूर सुना होगा पेरेंटरी नॉम है आपने इंटरनेशनल लॉ की अपनी क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा तो ये जो वर्ड है पेरेंटरी नॉम और जस्ट कोजेंस इनको हम इंटरचेंजेबली अदला बदली करके यूज करते हैं और आगे क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में तो मित्रों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेट पे हमें जो है इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो हमने कुछ उदाहरण देखे देखिए इंटरनेट में लोग भारी मात्रा में जानकारी साझा करते हैं लाखों आपको किस्म के पेज मिल जाएंगे आपको खाने बनाने के व्यंजन से लेके डिफेंस के बारे में जानकारी क्रिकेट मैच चल रहा है आज भारत और इंग्लैंड का उसके बारे में जानकारी आपको जो है Uh, आपका जो किसी एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकला उसकी जानकारी रेलवे टिकट बुक करना आप ये सब कुछ कर सकते हैं uh, इंटरनेट पे जो इंटरनेट एक अनियमित अनरेगुलेटेड मीडियम है और इस पे जो है जो जो सीमाएं हैं जो राजनीतिक सीमाएं हैं जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जो भौगोलिक सीमाएं हैं uh, वो अप्रासंगिक हो जाती हैं आप इंटरनेट को एक कबूतर की तरह समझिए कबूतर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में चला जाता है उसको कोई मतलब नहीं है कि झांसी ख़त्म हुआ और मध्य प्रदेश शुरू हो गया ना उसको मतलब है कि भारत ख़त्म हुआ और बांग्लादेश शुरू हो गया या पाकिस्तान शुरू हो गया या इंग्लैंड ख़त्म हुआ और फ्रांस शुरू हो गया तो वैसे ही इंटरनेट है इंटरनेट को उससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ भारत है और कहाँ पाकिस्तान और कहाँ कोई और जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जूरिस्टिक्शन को लेके अधिकार क्षेत्र को लेके सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है इंटरनेट में तो इसलिए इंटरनेट के लिए स्वयं के कानून स्वयं के इंस्टीट्यूशन स्वयं के संस्थानों की आवश्यकता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो यहाँ नहीं चल पाएंगे क्योंकि इंटरनेट पे जो सामग्री है और जो भाषण है उस पर हर राष्ट्र अपने अपने नियम लगाता है बट तो जैसे मैंने पिछली बार कहा कि यदि कोई व्यक्ति है जो भारत के नागरिक हैं रहते इंग्लैंड में हैं और उन्होंने जो है किसी बांग्लादेश की महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी इंटरनेट पर की वो महिला रहती फ्रांस में है जिस वेबसाइट पे टिप्पणी की लेख लिखा ब्लॉग लिखा वो वेबसाइट अमेरिका की कंपनी के स्वामित्व में है और उस वेबसाइट का जो सर्वर फार्म है वो स्वीडन में आधारित स्थित है तो ऐसे में आप मुकदमा कहाँ करेंगे क्योंकि अमेरिका में है तो क्या आप अमेरिका की कंपनी क्योंकि है, है इसलिए क्या अमेरिका में करेंगे स्वीडन में सर्वर फार्म है तो क्या स्वीडन अधिकार क्षेत्र हो गया भारत के व्यक्ति हैं तो क्या भारत में केस करना पड़ेगा या क्योंकि महिला जो है बांग्लादेश की नागरिक हैं तो बांग्लादेश में वाद स्थापित करना पड़ेगा या जो है वो क्योंकि महिला फ्रांस में रहती हैं फ्रांस में केस होगा या क्योंकि ये व्यक्ति इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड में केस होगा तो ये इस तरह के जो विषय हैं इनको जूरिस्टिक्शन के सवाल का ही जवाब देते देखते समस्या हो जाती है और इसका फायदा ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये उठाते हैं आ, हर राष्ट्र की अपनी अपने वैल्यूज होते हैं हर राष्ट्र के अपने जैसे अमेरिका में बंदूक लेके चलना उनका मौलिक अधिकार है भारत में हम नहीं अलाउ करते बट अमेरिका में मौलिक अधिकार right right है राइट टू बेयर आर्म्स फंडामेंटल राइट है इसीलिए आप देखते हैं उनके यहाँ कितनी समस्याएं होती हैं स्कूल के बच्चे पिस्तौल ले जाते हैं विद्यालय में और अपने सहपाठियों को मार देते हैं अपने शिक्षक को मार देते हैं बंधक बना के दस दस साल के आठ आठ साल के बच्चे ये काम कर रहे हैं बट उनके संविधान में है कि उनको जो है शस्त्र रखने का अधिकार है तो आ, हर एक राष्ट्र की अपनी परिभाषा है कि उनके राष्ट्र हित में क्या है क्या वो वैल्यू या नागरिक गुण या सेविक वर्चू मानते हैं आ, इंटरनेट के साथ एक प्रमुख मुद्दा यह है कि जो अपमानजनक भाषण या डेफोमेटरी स्टेटमेंट या अभद्र टिप्पणी हेड स्पीच है मिनटों में मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है करोड़ों में इनफैक्ट कहूंगा लोगों तक पहुंच जाती है जो भी इंटरनेट यूजर है उसको पता चल जाता है कि आज क्या लिखा अभी क्रिकेट मैच में जो है एक विकेट गिर जाएगा या रन बन जाएगा सबको पता है जो इंटरनेट पर देख रहा है भारत में 140 करोड़ व्यक्ति हैं उसमें से 40-50 करोड़ इंटरनेट यूजर बन चुके हैं सो so, uh, ये जो फ्री स्पीच एक्टिविट्स हैं जो मुक्त uh, भाषण अधिवक्ता हैं और जो साइबर स्पेस पर यूज करने वाले व्यक्ति हैं वो अधिकांश व्यक्ति कहते हैं नहीं विचारों का व्यापार है इंटरनेट इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए मोस्ट डेमोक्रेटिक मीडियम है इंटरनेट इसको जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है ये अनियंत्रित ही अच्छा है uh, ये उसी तरह की बात हुई कि जो है जब भारतवर्ष के व्यक्ति जो है आईटी में बहुत अच्छा कर रहे थे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ब्यूटी के क्षेत्र में मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन रहे थे तो लोग कहते यही दो क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है क्योंकि यही दोनों क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसी तरह की बात यहाँ पर भी लोग करते हैं कि इंटरनेट अनियंत्रित रहते हुए इतना अच्छा हो गया तो नियंत्रित इसको करने की क्या आवश्यकता है नियंत्रण से तकलीफ होगी अब ये देखिए दो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मित्रों तो ये तो दो धाराएं दी जाती हैं तर्क की पहली दैट विश्लेषण कीजिए कि राष्ट्रीय कानूनों में इंटरनेट को किस तरह से उपभोक्ताओं के अधिकारों को राइट्स को प्रभावित किया जाता है किया जा सकता है और दूसरा जो व्यू है जो दूसरा सोचने का नज़रिया है वो ये है कि किसी भी देश को अपने कानूनों के द्वारा साइबर स्पेस को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए एक कहता है कि किसी तरह से प्रभावित करना चाहिए और दूसरा कहता है नहीं करना चाहिए So, ये जीवन के हर क्षेत्र में जद्दोजहद रहती है कि कोई कहता है कि ये करो और कोई कहता है नहीं करो हमें हमेशा बीच का रास्ता निकालना है आ, कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो रात को धूमधाम से पार्टी करे और कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो आठ बजे या नौ बजे ही सो जाए तो हमें उसका बीच का रास्ता निकालना है कि अच्छा भाई साढ़े दस बजे दस बजे हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है दस बजे के बाद आप हल्ला नहीं मचा सकते दस बजे सैक्रोसेंट है तो अगर आप आठ बजे सोना चाहते हैं तो वो आपकी समस्या है बट दस बजे के बाद आप बारह बजे तक पार्टी करना चाहते हैं करिए बट हल्ला मत मचाइए म्यूज़िक मत बजाइए जगराता करना है जागरण करना ज़रूर करिए रात भर करिए बट जोर ज़ोर से मत करिए सिमिलरली सुबह सुबह आपको जो है मंदिर में या किसी और धार्मिक स्थल पे आप जोर से आरती है कुछ भी अजान या कुछ मत करिए सो so, ये वही बीच का रास्ता लॉ का मतलब ही होता है बीच का रास्ता निकालना सो uh, so जीवन के अन्य पहलुओं की तरह साइबर स्पेस का जो विनियमन है जो रेगुलेशन है वो अनिवार्य है वो अपरिहार्य है वो होना ही है और स्पेशली इसलिए क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनकी जो है संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी भारतवर्ष जैसे जो देश हैं जो अफ्रीका वाले देश हैं इन्होंने इंटरनेट पेनेट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे गाँव में आप जाके देखिए सब में फोर इंटरनेट आ गया है कई गाँव में फाइव इंटरनेट पहुंच गया है जो आप देखेंगे मैं हरियाणा के गाँव देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव देख रहा हूँ फाइव इंटरनेट तक पहुँच गया स्पेशली जो दिल्ली से सटे हुए हैं सो उससे जो है इंटरनेट पे भारी मात्रा ये जो प्रोग्राम आप मित्रों सुन रहे हैं आप टीवी पे देख रहे रहे हैं। आ, ये कैसे आपके पास आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है सो so, इंटरनेट का जो है विनियमन जो होना है वो अपरिहार्य हो जाता है आ, मित्रों कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो उसको रेगुलेट करना एक बुरी बात नहीं अच्छी बात होती है उसके लिए नियम बनाना अभी देखिए आजकल कोचिंग सेंटर्स के लिए भी नियम बन गए हैं पहले कोई नियम नहीं होते थे क्योंकि कोचिंग सेंटर इतने होते नहीं थे अब बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर हो गए हैं अब नर्सरी स्कूल के नियम बन गए हैं अब बहुत सारी चीज़ अब देखिए प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है तो प्रदूषण के नियम हो गए हैं गाड़ियों के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हो गया जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था ऐसा कुछ नहीं था सो देखिए जो फ्री स्पीच है उसको राष्ट्र जो है वो किस तरह से रोकते हैं वो देखिए हमारे संविधान में नाइनटीन वन ए कहता है कि फ्री स्पीच है बट नाइनटीन टू जो अनुच्छेद है वहाँ से लेके नाइनटीन सिक्स तक जो है वो इसको रोकता है आ, ये ग्राउंड्स बताता है कि किस पे आप रोक सकते हैं मित्रों ये ही एग्जैक्ट वो ग्राउंड्स हैं बिल्कुल वही जिस पे अमेरिका में भी संविधान जो है आ, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हीं ग्राउंड्स पे फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों को ख़राब नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर पीस मोरालिटी हेल्थ को ख़राब नहीं करेंगे भाषण से आप भड़का नहीं सकते लोगों को इस तरह की चीज़ें जो हैं जो अराजकता मानते हैं जो 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 लोग कहते हैं इंटरनेट अनियंत्रित ही अच्छा है वो इंटरनेट को एक अराजक यानी कि केयटिक मीडियम के रूप में देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये जो अराजक माध्यम है यही अच्छा है आ, मैं नाम नहीं लूँगा बट एक बहुत प्रमुख राजनेता है वो कहते हैं मुझे अराजकता पसंद है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में तो आ, आ, और वो ऐसा जो लोग अराजकता प्रेमी होते हैं वो कहते हैं सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए सरकार को विनियमन नहीं करना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन कर लेंगे अब आप सही समझे या गलत बट मेरी नजर में सेल्फ रेगुलेशन कुछ नहीं होता है तुलसीदास जी बोल के गए भय बिन होत न प्रीत मतलब प्रेम करने के लिए भी भय का होना आवश्यक है तो भय जो है केवल कानून से ही आता है विनियमन से ही आता है तो ये मेरा निजी मत है और मैं तुलसीदास तो जी से सहमत समझता हूँ अपने आप को साइबर स्वतंत्रता के जो अधिवक्ता हैं जो कहते हैं साइबर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए वो तर्क देते हैं कि इंटरनेट दुनिया में निरंकुश और बहुत ही लोकतांत्रिक मंच प्रदान करता है ये बात सही है बट कोई भी चीज़ का कंप्लीट नियंत्रण नहीं होना चाहिए आपने सुना होगा अति की भली ना बोलना अति की भली ना चुप अति की भली ना बरसना अति की भली ना धूप किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा बारिश होनी चाहिए ना धूप ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़्यादा आपको बोलना चाहिए मेरा काम है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है और ना ज़्यादा चुप रहना पड़ता है सो जो है आ, देशों ने इस दृष्टिकोण को आ, किसी भी देश ने जो आपके पाश्चात्य देश है बहुत लिबरल देश है उन्होंने भी ये दृष्टिकोण नहीं अपनाया है कि जो है निरंकुश होना चाहिए इंटरनेट कोई भी चीज़ निरंकुश या अनरूली नहीं हो सकती हर चीज़ पे नियंत्रण आवश्यक है आ, आ, फायर की बात कर लीजिए इट इज़ अ गुड सर्वेंट बट वेरी पुअर मास्टर अगर आप आग को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी सिमिलरली आप अगर वाहन को अनियंत्रित गति से चलाएंगे, तो आप गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे, कहीं और ही पहुंच जाएंगे या किसी और को कहीं और पहुंचा देंगे तो आ, देशों के द्वारा जो है इंटरनेट पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों का अगर हम अध्ययन करें तो आपको पता चल जाता है किस देश के लिए क्या मूल्य इम्पॉर्टेंट आ, किस देश को क्या मूल्य उनके जो इम्पोर्टेंट है और हर एक बंदे हर एक हर एक व्यक्ति की जो अपनी आ, जो 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 प्रायोरिटीज होती हैं वो अलग होती हैं हर एक व्यक्ति जो है अलग चीज़ों को अलग इम्पोर्टेंस देता है तो वही चीज़ देश भी करते हैं वो अलग अलग चीज़ों को अलग इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ जो यूरोप में आ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जू समुदाय के लोग थे उनके खिलाफ बहुत अत्याचार हुए जर्मनी में फ्रांस में पोलैंड में हंगरी में पूरे यूरोप में जो जूस थे वो बहुत पढ़े लिखे और समृद्ध किस्म के व्यक्ति थे तो इसलिए उनको जो है लोग पसंद नहीं करते थे जो एडोल्फ हिटलर थे उनकी जो सोच थी और जो कई लोग उनके साथ थे उनकी सोच थी कि जूस एक आ, गलत या खराब किस्म के प्रजाति हैं और उनको मारने के सब तरीके शुरू हो गए एक कॉन्सेंट्रेशन कैम्प्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा उसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं होलोकॉस्ट सो so, uh, ये होलोकॉस प्रभावित देशों में जो नाजी सिंबल्स हैं जैसे ये देखिए ये स्वास्थ्य का सिंबल है हमारे यहाँ यही सिंबल जो है नाजी लगाया करते थे अगर मैं ये सिंबल आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ और यदि मैं फ्रांस में हूँ या मैं पोलैंड में हूँ या ऑस्ट्रिया में हूँ तो मुझे तुरंत जेल हो जाएगी क्योंकि उनके मूल्य कहते हैं कि इस तरह के सिम्बल नाजी का कोई भी सिम्बल आप खुले में प्रदर्शित नहीं कर सकते तो सबसे उदार देशों में भी मुक्त भाषण जो फ्री स्पीच है उसका जो रेगुलेशन है वो इनविटेबल है अपरिहार्य है विनियमन सो so, इंटरनेट यूजर्स अपना विरोध जारी रखेंगे बट उनको भी ये बात समझना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आ, रेगुलेशन होना ही है इसका आ, एक जो हमारा जो हमें करना है जो नीड ऑफ द आवर है वो है एक प्रभावी और मिनिमली इन्वेसिव इफेक्टिव और मिनिमली इन्वेसिव मिनिमली रिस्ट्रिक्टिव न्यूनतम प्रतिबंधात्मक नियामक प्रणाली बनानी है जिसमें योजनाएं और प्रौद्योगिक प्रौद्योगिकी टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको uh, बहुत ही बिना इन्वेजन uh, के uh, चुपचाप से हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें उतना ही करें जितना बिल्कुल ही आवश्यक हो uh, अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए मित्रों एक जो हम श्रेणी देखेंगे जिस कारण हमें जो है इसको नियंत्रित करना पड़ता है इन, आ, इंटरनेट पे फ्री स्पीच को वो है लाइबल आप जो है किसी के विषय में कुछ भी नहीं बोल सकते वो सत्य नहीं है तो उसको कृपया मत बोलिए ये अपने बोलचाल में भी याद रखिए अपने उसमें बिकॉज ये एक ओफेंस है इसकी सज़ा हो सकती है लाइबल स्लैंडर आपने टॉट लॉ में पढ़े होंगे एक ऐसा भाषण मत दीजिए और वही चीज़ अगर लिखित में हो जाता है तो डेफमेशन हो जाता है बट अगर आपने ओरल भी बोला तो भी जो है अगर आप कह देते हैं कि मिस्टर ए एक चोर है अगर वो सही में चोर है उनपे चोरी का आरोप साबित हो चुका है तो जरूर बोलिए क्योंकि वो अगेंस्ट बोथ डेफोमेशन एंड लाइबल मतलब लिखित प्रकाशन एवं आ, मौखिक भाषण दोनों की आ, सूरत में आ, अगर कोई सत्य है तो वो आपका बचाव करेगा ऐसी स्थिति में बट यदि वो सत्य नहीं है तो उसको जो है कृपया मत बोलिए क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है आप दूसरे की छवि को धूमिल कर रहे हैं खराब कर रहे हैं कृषि की प्रतिष्ठा को बदनाम मत करिए खराब मत करिए सो so, देशों ने ऐसे कानून बना रखे हैं इसका नाम हो गया है अपमान लेख कानून हिंदी में अंग्रेजी में इसको हम लाइबल कहते हैं एक और नाम से इसको हम आ, आ, संबोधित करते हैं इसको हम कहते हैं परिवाद आ, परिवाद कानून सो so, इंटरनेट संचार पे भी इंटरनेट कम्युनिकेशन पे भी कई देशों ने इसको लागू कर दिया है मसलन मैं आपको जर्मनी का उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ पे लाइबल को परिभाषा में उन्होंने इंटरनेट आधारित कम्युनिकेशन को भी ले आए हैं आ, कुछ वर्ष पहले इंग्लैंड में एक भौतिकी यानी कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे और एक परमाणु विज्ञानी थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ लाइबल का केस किया क्यों किया क्योंकि ये जो है इंटरनेट के माध्यम से एक यूज़ नेट डेटा था यूज़ नेट प्लेटफॉर्म था जहाँ पे साइंटिस्ट अपने व्यूज़ एक दूसरे से शेयर करते थे अपने विचार एक दूसरे से साझा करते थे तो वहाँ पे जो है ये दोनों व्यक्तियों के बारे में आ, जो इनके कॉलीग्स थे इनके जो सहकर्मी थे उन्होंने इनकी पेशेवर क्षमता प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पर अपमानजनक टिप्पणी की कि ये व्यक्ति जो है ज़्यादा काम नहीं करते हैं ये नकल करते हैं इस की अशोभनीय टिप्पणी की और इन दोनों व्यक्तियों ने अंग्रेज कोर्ट्स में इंग्लिश कोर्ट्स में जाके वाद दायर किया और ये दोनों जो जो है है केस अपने जीते हैं तो हमें जो है लाइबल का जो कानून है वो उसमें इंटरनेट को भी शामिल कर लिया गया है यहां पे मैंने आपको इंग्लैंड का उदाहरण दे दिया और पूर्व में मैंने आपको जर्मनी के बारे में बताया था आ, मित्रों अब हम जाते हैं अगला जो क्षेत्र है ये पोर्नोग्राफी कई व्यक्ति आपको बताएंगे स्पेशली अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पे पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा उद्योग है इंडस्ट्री है लोग लाखों डॉलर इससे कमा रहे हैं वो कहेंगे कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये एक बिजनेस है पोर्नोग्राफी देखने के अलग अलग तरीके हैं भारत एक कॉन्जर्वेटिव देश है और कॉन्जरवेटिव होने में कोई बुराई नहीं है आ, बहुत सारे जो इस्लामी देश हैं वो हमसे भी ज़्यादा कॉन्जरवेटिव हैं यहाँ तक कि जैसे सऊदी अरेबिया ईरान वगैरह में आ, जो रिलीजन है जो सेक्स है जो पॉलिटिक्स है ये तीन ऐसे विषय हैं जिनके बारे में कोई भी सार्वजनिक चर्चा हो ही नहीं सकती आपको तुरंत सज़ा हो जाएगी अगर आपने रिलीजन सेक्स पॉलिटिक्स या राजवंश राजाओं के बारे में कुछ भी ऐसा बोल दिया तो शासनकर्ताओं के बारे में कुछ भी बोल दिया तुरंत जेल हो जाती है हमारे यहाँ राजनीति पे तो खूब डिस्कशन होते हैं चाय पे चर्चा होती है नुक्कड़ पे जाके रोज़ सवेरे आठ बजे अखबार पढ़ते हैं और सब नेताओं के बारे में हम बात करते हैं अभी देखिए लोकसभा चुनाव का माहौल आने लगा है तो बट हमारे यहाँ सेक्स पर हम बातें नहीं करते हैं और वो भी अश्लील माना जाता है और आ, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हमारे यहाँ धर्म पे भी चर्चा पे कोई मनाही नहीं है खूब अभी थोड़े दिन पहले मैं वंदे भारत अयोध्या वाली वंदे भारत से कानपुर आया था और उसमें पूरा वातावरण जो है वो धार्मिक था तो उसमें हमारे यहाँ कोई उसको गलत नहीं माना जाता है पर सिक्स पे आधारित हमारा जो, जो 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 जिस परिवेश में हैं वहाँ पर हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं तो जो और इससे क्या होता है ये मेरा निजी मत है आ कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये यंग लोग जो हैं इसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं उसको पूरी की पूरी जनरेशन ख़राब हो जाती है अगर ये पोर्नोग्राफी और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैगजीन्स हैं ये अशोभनीय हैं यहाँ तक कि देखिए पेंट हाउस मैगज़ीन है ये पेंट हाउस डेबुन ये कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जो केवल इसी तरह के अश्लील पोर्नोग्राफी प्रकाशित करती हैं इन्होंने पच्चीस देशों की सूची अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है मित्रों मैं नहीं कह रहा हूँ आपको वहाँ जाने के लिए बट इन्होंने पच्चीस ऐसे देशों की सूची डाल बना रखी है जिसमें मिस्र भारत जापान, साउथ कोरिया ऐसे देश हैं और जहाँ पे ये व्यसक सामग्री एडल्ट कंटेंट को गैरकानूनी माना गया है बड़ी अच्छी बात है कि भारत इस सूची में है और वो खुद मानते हैं कि भारत इस सूची में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है तो और देखिए मैं सऊदी अरब ईरान वगैरह की बात कर रहा था वो यहाँ आ गई जर्मनी में पहले ये लोग इतने एक्टिव नहीं थे बट एक कॉम्प्यू सर्व करके कंपनी थी उसके आ, बहुत बड़ा एक केस हो गया आ, मामला हो गया उसके बाद जो है बच्चों की सुरक्षा आ, बच्चों को सेक्सुअल कंटेंट जो ऑनलाइन दिखाया जाता है उस पर कानून तो पहले से बने गए थे बट उनको बहुत सख्ती से अमल में लाने लगे हैं का, कानून का होना और कानून को अमल में लाना दोनों थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं भारतवर्ष में आप देखेंगे कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं बट उनको तो कई बार जो है अमल में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जनसंख्या अधिक है हमारे पास संसाधनों की कभी कभी कमी हो जाती है तो तो बट वो जर्मनी में बच्चों की सुरक्षा को लेके जो यौन जो जो जो, 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 जो विषय वस्तु थी वो बच्चों को दिखाना वो उसके संबंध में कानून बहुत कड़ा कर दिया गया है सिंगापुर ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सामग्री प्रदाताओं सर्विस कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए एक लाइसेंस कंपलसरी कर दिया है और साइबर स्पेस में सभी प्रकार की जो यौन जातियाँ हैं जो सेक्शुअल एक्सेस uh, है उसको विनियमित रेगुलेट करना शुरू कर दिया है विनियमित का मतलब रेगुलेशन रेगुलेट सो रेगुलेशन ऑफ ऑल सेक्सुअल एक्सेसिस ऑन द इंटरनेट मित्रों सबवर्सिव इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में जो बहुत मान्यता प्राप्त है कुछ वर्षों पहले लोगों ने भारतवर्ष के ही बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी उन्होंने कर दिया कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे देश के इस तरह की बातें अगर आप करेंगे और इंटरनेट के उपयोग करते हुए उसको जो है आप आ, सब जगह तक फैलाएंगे क्या ये शोभा देता है हम सब भारतीय हैं क्या आपको अच्छा लगेगा जब कोई आपके आपके देश के बारे में ऐसी बातें करेगा टुकड़े टुकड़े तो मित्रों इंटरनेट का उपयोग जो इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो आ, करते हैं राष्ट्रीय सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए असंतोष पैदा करने के लिए आ, ये एक गंभीर चिंता का विषय है बिकॉज ये आईपीसी में भी या भारतीय न्याय संहिता जो उसका सक्सेसर कानून है उसमें भी प्रतिबंधित है आ, कि आप देश की सरकार या देश के खिलाफ आ, जो है गलत भावना लोगों में उत्पन्न करना चाहते हैं इंटरनेट की पहुंच बहुत व्यापक है जैसा कि मैंने आपसे पूर्ववर्ती लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पहुंच बहुत व्यापक है मिनटों में आप जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जो विध्वंसक जानकारी विध्वंसक सूचनाएँ इंटरनेट के माध्यम से प्रदत्त करते हैं ये अपने समर्थकों और सिंपथाइजर सहानुभूति रखने वालों लोगों तक विश्व भर में पहुँचाने में सक्षम हो जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से तो ये कारण है कि हमें इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन प्री स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट पे लगाने की आवश्यकता है पुरजोर आवश्यकता है मेरे नज़र से अगर आप देखें मित्रों हाल के वर्षों में जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के पूर्व में बताया था विगत दस वर्षों में ऐसे कई ओकेजन्स आए हैं जो यूरोपीय देश इसमें मैं स्पेन का भी उल्लेख करना चाहूँगा इंग्लैंड इटली और स्पेन इन्होंने जो अराजकतावादी जो तत्व हैं जो अराजकतावादी समूह हैं अनार्किस्ट हैं जो ये कहते हैं कि अराजकता अच्छी चीज़ है उनके कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम्स को जब्त किया है और उसको एविडेंस बना के कोर्ट में ले गए हैं कि जो ये व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से सरकार विरोधी देश विरोधी हिंसा पैदा करना चाहते थे कॉम्युनिज्म के युग में जो बहुत उस जमाने में इंटरनेट नया था तो क्योंकि कॉम्युनिज्म की हम बात करें तो वो सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद नवासी नब्बे में कॉम्युनिज्म काफी आ, दुनिया में ख़त्म होने लगा यूरोप में पूर्वी यूरोप में खासतौर पर खत्म होने लगा कॉम्युनिज्म के युग में जब इंटरनेट बहुत समय था तब जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज ने काफी इंटरनेट को आ, 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 कम रखने की कोशिश की चाइना की अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की बात करें तो पूरा इंटरनेट जो है वो बाधित रहता है केवल वही दिखाते हैं जो उनको दिखाना होता है सभी कुछ इंटरनेट पे नहीं है अच्छा मान लीजिए चाइना ने भी अपने संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉर्थ कोरिया ने भी लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच बट ये वो देश हैं जिनमें हेयरकट भी वही हो सकता है जो अप्रूव्ड है छः हेयरकट अप्रूव्ड है नॉर्थ कोरिया में तो वो उन्हीं छः हेयर कट में से एक आप रख सकते हैं तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्या एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो बट ये तो जो है सो तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार विरोधी अपने जो जो उस देश की आइडियोलॉजी है उसके विरोधी अगर कोई भी बात करेगा तो इंटरनेट को लोग विभिन्न जो देश हैं किस तरह से उन्होंने उसको कंट्रोल करने का तरीके अपनाए हैं वो मैं बात कर रहा हूँ देखिए वियतनाम अगेन एक कम्युनिस्ट देश है तो गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रों के साथ जो उनके सिटीजन्स के संबंध हैं उससे शासन चिंतित है सरकार चिंतित है और सरकारी अधिकारियों ने समय समय पर मांग की है कि इंटरनेट को नियंत्रित करना चाहिए जो यहाँ के लोग हैं उनको जो है बहुत ज्यादा संपर्क गैर कम्युनिस्ट देशों के साथ नहीं होना चाहिए वियतनाम हमारा ही पड़ोसी है एशिया में दक्षिणी एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में मित्रों अब हम बात करेंगे अभद्र भाषा हेट स्पीच की ये जहरीले जो वाक होते हैं उनकी बात करेंगे आ, कई समय आप देखते हैं इलेक्शन के समय या कुछ और समय लोग जो है भड़काऊ बयान देते हैं किसी जाति विशेष के बारे में किसी वर्ग विशेष के बारे में किसी आ, महिलाओं के बारे में लोग अभद्र टिप्पणी कर देते हैं आ, लोग जो है चमड़ी के रंग के आधार पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं धर्म या रिलीजन के आधार पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं तो ये जो इस तरह की जो आग लगाने वाली जो चीज़ें होती हैं ये इस इसको जो है रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे हमारा समाज ख़राब होता है इससे हमारे समाज में लड़ाई होती है इससे हमारा जो है दंगे भड़क सकते हैं इससे हमारा जो है भविष्य खराब होता है सो so, जैसे मैंने कहा था आपको होलोकॉस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जिन देशों में होलोकास्ट का प्रभाव रहा है वहीं पे आपको सबसे सख्त कानून मिलते हैं अभद्र भाषा को लेके अभद्र भाषा को रोकने को लेकर सबसे ज़्यादा सख्त कानून इन्हीं देशों में आपको मिलते हैं जहाँ पे होलोकास्ट का प्रभाव सर्वाधिक रहा है मित्र इसमें जो है फ्रांस जर्मनी सर्वाधिक क्योंकि तो जर्मनी में ही एडोल्फ हिटलर रहे हैं आ, आपको कुछ आ, ये साउथ अमेरिका के देश जैसे कि अर्जेंटीना होंगे वहाँ भी बड़े सख्त कानून हैं क्योंकि वहाँ भी आ, नाजी पार्टी की काफ़ी सिंपथाइजर्स थे आ, आपको जो है आ, फ्रांस में मिल जाएंगे ऐसे जो है कानून ऑस्ट्रिया में मिलेंगे पोलैंड में मिलेंगे ये जो यूरोप के मध्य यूरोप कह लीजिए या मध्य पूर्व यूरोप कह लीजिए या मध्य पश्चिम यूरोप कह लीजिए इनके जो देश हैं यहाँ पे आपको सब सर्वाधिक सख्त कानून मिलेंगे हेड स्पीच के खिलाफ मित्रों कैनेडा में भी बहुत सख्त कानून मिलेंगे क्योंकि कैनेडा में भी आ, जो समूह हैं फ्रेंच स्पीकिंग हैं एक तिहाई जो लोग हैं कैनेडा में वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं क्योंकि उनकी जो है आ, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो शासक थे वो फ्रांस थे और कई वर्षों तक कई सौ वर्षों तक और दो तिहाई लोग जो है वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो क्योंकि उनके जो कॉलोनियल शासक थे वो ब्रिटिश थे तो जो कई बार जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ब्रिटिश स्पीकिंग लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और भाई से वर्षा सो तो कनाडा में भी नफ़रत फैलाने और ऐसे टेलीफोन संदेशों के संचार को प्रचार को, को, को जानबूझकर फैलाना प्रचार करना एक अपराध बनाया गया है और जो भी नस्ल के आधार पर जाति के आधार पर रंग के आधार पर धर्म के आधार पर अभद्र टिप्पणी करता है घृणा को उजागर करने आ, की बात करता है वो पनिश किया जाता है ऐसे ही कुछ हमें यूएस में देखने को मिलता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्योंकि वहाँ पे भी रंग भेद बहुत बड़ा विषय है दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के आपको कानून मिलेंगे क्योंकि वहाँ भी रंग भेद बहुत बड़ा विषय था मंडेला जी ने आ, कई दशकों तक संघर्ष किया और उन्नीस में वो देश ने रंग भेद को समाप्त किया आ, हमारे यहाँ जो है संविधान का अनुच्छेद चौदह पंद्रह सोलह कहता है कि सभी भारतीय जो भी उनका लिंग है जो भी उनका जन्म स्थान है धर्म है जाति है सब व्यक्ति बराबर है तो हम भी जो है हमारे संविधान अनुच्छेद सत्रह कहता है कि हम जो है छुआछूत अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते तो आपके घर में अगर कोई कुआं है और आप किसी एक व्यक्ति को जाति के आधार पर वहां तक नहीं पहुँचने देते तो ये कानूनन अपराध है हमारे संविधान में लिखा है आ, तो संविधान से ऊपर तो कोई लॉ नहीं है मित्रों फ्रांस की हम बात करते हैं तो नाजी प्रतीकों का जैसे मैंने ये बताया था आपको ये नाजी सिंबल है आ, ये उनकी यूनिफॉर्म पे क्रेस्ट पे सब जगह आपको मिल जाएगा आप गूगल करेंगे तो देखेंगे नाजी सिंबल सो uh, so, अगर इस तरह का सिंबल आप फ्रांस में प्रदर्शित करते हैं खुले हम तो आप तुरंत जेल होगी क्योंकि इसको बहुत सख्त कानून है कि आप नहीं दिखा सकते अब एक ऑनलाइन ऑक्शन हुआ याहू ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे एक ऑनलाइन ऑक्शन कराया जो भी नारजी मेमोरेबिलिया था नारजी जो सामान थे बैजेस थे यूनिफॉर्म्स थे उनका ऑक्शन हुआ नीलामी हुई ऑक्शन मतलब नीलामी हुई तो जो एक सोसाइटी थी लाइक्रा तो लाइक्रा फ्रांस में एक संगठन है और लाइक्रा ने जो है केस दायर किया याहू के खिलाफ कि आप इस तरह का हमारे लॉ में तो प्रतिबंधित है आप ऐसा कैसे इसको दिखा रहे हैं तो याहू कहता है कि देखिए ये हमारे पास ऐसे कोई टूल्स नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट को फ्रांस में नहीं दिखाएं और वैसे भी ये इसमें कंटेंट जो है अंग्रेजी में है फ्रेंच में नहीं है तो आपके लिए नहीं है फ्रेंच नागरिकों के लिए नहीं है तो फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि ये याहू इसको बंद करे याहू ने नहीं माना इसको क्योंकि याहू कहता है फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे पे मान्य नहीं है क्योंकि मैं तो अमेरिकी कंपनी हूँ तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो मैंने आपको जुरिस्टिक्शन की तकलीफ बताई वो ये केस उसको सर्वाधिक उजागर करता है कि एग्जाम्पल के तौर पर सो तो ये एक पंथ दो काज हो गया जो 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 मैंने आपको ये केस इसलिए भी बता दिया कि ये फ्रांस में कितने सख्त कानून हैं और ये भी बता दिया कि जुरिस्टिक्शन की समस्याएँ कैसे होती हैं मित्रों में जो है प्रोहिबिशन एक्ट है नाजी पार्टी की ओर से की गई कोई भी कार्रवाई प्रतिबंधित है जो भी नाजी आ, के जो प्रचार करेगा वकालत करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है बहुत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है पंद्रह पंद्रह साल की जेल का प्रावधान है मित्रों अभद्र भाषा और नाजी प्रचार करने के लिए जर्मनी में गैरकानूनी घोषित किया गया है बट आज आ, क्योंकि एडोल्फ हिटलर को गए आ, जो है सत्तर वर्ष से अधिक हो गए हैं तो आज उस पर बहस छिड़ी हुई है आ, कि क्या अस्सी वर्ष बाद भी इस तरह के प्रतिबंध रहने चाहिए आ, हिटलर की बारे में बात करने को लेके तो आज की स्थिति में प्रतिबंध है आ, हिटलर का कोई भी सिंबल वगैरह सब जो है उन्होंने कर दिए हैं उसके बारे में बात नहीं हो सकती है आ, कानून में ऐसे प्रावधान है जर्मनी में कि अभिव्यक्ति को जो भी, जो भी भी एक एक एक, 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 एक पर्सनालिटी को डेवलप फ्रीली करने से रोकता है ऐसे एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है जो भी जो है आ, मानव गरिमा के खिलाफ बात की जाएगी उसको रोका जा सकता है मित्रों हम अब बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी निजता एक बहुत बड़ी चीज है और हमारे देश में जो आपने ये केस पढ़ा होगा जस्टिस पुट्टा स्वामी वाला केस पुट्टा स्वामी मैं इसको फिर से लिख देता हूं ये हम आगे जाके जब प्रिवेसी की बात करेंगे एक मॉड्यूल है उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये जस्टिस पुत्ता स्वामी केस में निजता को हर भारतीय का एक मौलिक अधिकार माना गया है अनुच्छेद इक्कीस के तहत सो राइट टू लाइफ के तहत और जो है हर व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए एक नया कानून पारित हो गया है हमारी संसद ने पारित किया है अगस्त 2023 में तो आप मान लीजिए बिजली का कनेक्शन चाहते हैं आपने नया फ्लैट खरीदा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वो जो है कि आपने दो करोड़ का लिया है कि बीस लाख का लिया है तो लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है जानने के लिए बिजली कंपनी वाले आपसे पूछेंगे आप उसको आप अपना जो है आधार कार्ड का नंबर जो है उसको आप या तो मास्ट आधार ले लीजिए या वर्चुअल आधार ले लीजिए पूरा आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वन टू थ्री फोर करके बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आप किसी को आधार कार्ड देते हैं मान लीजिए आपका आधार नंबर ये है तो आप या तो मास्ट आधार ले सकते हैं ये या आप वर्चुअल आधार ले सकते हैं उसमें केवल एक ऐसा करके आ जाएगा अलग से कोई नंबर आ जाएगा तो आपको जो है अपनी आधार हमेशा गोपनीय रखिए क्योंकि इससे पहचान जो है आपकी सुरक्षित रहती है किसी को भी बैंक अधिकारी को होटल में जाके आपने चेक इन किया या जो है आरटीओ को आईडी प्रूफ देना है किसी की भी पर्पस के लिए आप अपना पूरा आधार नंबर ना बताएं सो uh, so, uh, या पूरा जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी सुरक्षा अगर आप किसी कंपनी को देते हैं तो वो उसकी होती है uh, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहता है धारा अठहत्तर दैट uh, जो भी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो uh, सुरक्षित रखना जो भी व्यक्ति इंटरमीडियरी है बिचौलिया है उसको uh, रखना सुरक्षित आवश्यक है आ, और नहीं रखने पे दंड का प्रावधान है फाइन का प्रावधान है जो आपका जो अधिकारी उस कंपनी में काम करते हैं जिनकी वजह से लैप्स हुआ उन पर भी और जो कंपनी है उस पर भी आ, यूरोपियन यूनियन ने जो है बड़े सख्त कानून बना रखे हैं प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है कि जानकारी का जो प्रवाह है उसको हम रेगुलेट करेंगे ताकि निजी जीवन में जो कंपनियों की घुसपैठ है वो ना हो सके जो भी ईयू के सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं ब्रिटेन भी हुआ करता था अब उन्होंने छोड़ दिया है दो वर्ष पहले ब्रेग्ज़िट करके ऐसे व्यक्तिगत डेटा को ऐसे राष्ट्रों में नहीं भेजेंगे जहाँ पर जो डेटा सुरक्षा के कानून कमज़ोर हैं मसलन अफ्रीकी देशों में डेटा सुरक्षा के कानून कमज़ोर हैं तो यदि हमने अपने नागरिकों का डेटा सुरक्षित रखा है तो वो सर्वर अफ्रीकाई देशों में नहीं होंगे और यदि सर्वर अफ्रीकाई देशों में हैं मसलन वहाँ पे हम डेटा नहीं भेजेंगे उस पर हम बाधा लगाएंगे ये ई यू के देशों ने ये बात रखी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भाषा का विनियमन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उनके संविधान में नहीं लिखा बट जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट उनका स्कोटस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्कोटस जो है उन्होंने वही ग्राउंड्स जो हमारे संविधान में उन्नीस दो सौ उन्नीस छः हैं वही ग्राउंड्स पे ये भी जो है भाषा का जो फ्री स्पीच का रिस्ट्रिक्शन करते हैं गोपनीयता को प्रोटेक्ट करते हैं और वो गोपनीयता को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं वो कहते हैं लो वैल्यू स्पीच ऐसी स्पीच जो कमज़ोर है जिससे कोई फ़ायदा नहीं है आ, इनका पहचान करिए और अभिव्यक्ति के ऐसे रूप या विचार जिससे कुछ खास अनिवार्य बेनिफिट नहीं है इनको आप प्रदर्शित ना करें तो भी ठीक है आ, लो वैल्यू स्पीच की परिभाषा में मित्रों क्या क्या आता है लोगों को उकसाना अश्लीलता फैलाना चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, डेफामेशन लड़ने वाले शब्द एज इन वैसे तो शायद विध्वंसक ना हो ये शब्द पर क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऐसा है वो शब्द विध्वंसक बन जाते हैं और कमर्शियल स्पीच यानी कि एडवर्टीजमेंट ये सब लो वैल्यू स्पीच की परिधि में आता है इनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर आप एडवर्टीजमेंट ऐसा कर रहे हैं जो अश्लील है आ, मान लीजिए लोगों ने भारतवर्ष में अंडरवेयर के और कॉन्डम्स के बड़े गंदे गंदे एड्स बनाए तो हम उनको रिस्प्रिक्ट कर देते हैं वैसे ही अमेरिका में होता है पॉर्नोग्राफी मानहानि ये जो अश्लीलता है इस तरह की चीज़ों को लो वैल्यू स्पीच माना जाता है मतलब इससे कोई खास फायदा नहीं है इसको अभिव्यक्त करके कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आ, मित्रों जो ये लड़ने वाले शब्द की बात है मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा मान लीजिए किसी ने कहा आई विल किल यू मैं आपको मार दूंगा शायद ही अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात ना हो गुस्से में बोला गया शब्द हो हाँ आई का एक प्रोविजन है वो यहाँ पे इन्वोक हो सकता है बट यहाँ पे उसके दायरे में हम ला सकते हैं बट अगर एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अगर ऐसा हो रखा है कि दोनों पार्टी के बीच में पहले से ही झगड़ा है और एक ने दूसरे को पहले ही मार रखा हो पिटाई कर रखी हो और उसके सर में चोट लगी है और फिर जो जिसके सर में चोट लगी है वो कहता है आई विल किल यू तो उसका जो है आ, आ, जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही बढ़ जाता है चेंज हो जाता है तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम कहते हैं लड़ने वाले शब्द जिनका कॉन्टेक्स्ट में स्वाभाविक रूप से इतने शायद खतरनाक ना हो बट कॉन्टेक्स्ट की वजह से संदर्भ की वजह से और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं मित्रों Uh, दुनिया के सबसे उदार देश लोकतांत्रिक देश पश्चिमी देश ये भी विभिन्न प्रकारों से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसको कर्ब करते हैं स्पेशली प्रिवेसी प्रोटेक्शन के लिए गोपनीयता के संरक्षण के लिए निजी जानकारी के संरक्षण के लिए निजी जानकारी में जो आपका नाम है आपकी आयु है आप मैरिड हैं या नहीं आपके बच्चे हैं या नहीं आपके क्या मेडिकल कंडीशन है आपका सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या है ये सब चीज़ें मित्रों आती हैं आ, मित्रों हम आप थोड़ी सी बात करेंगे अश्लीलता की यानी कि उपसीनेटी की, उपसी की। आ, अश्लील साहित्य अश्लील चरित्र इस पे जो है हमेशा से पाबंदी रही है और रहनी भी चाहिए आ, ये जो केस है रंजीत उदेशी ये हमारे भारतवर्ष में एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था आ, और ये एक केस अमेरिकी सॉरी ब्रिटिश केस जो 100 साल पुराना था उस समय मतलब आज करीब 160 साल पुराना केस है ब्रिटेन का उस पर आधारित ये आ, केस है आ, ये एटीन सिक्सटी के आसपास का ब्रिटिश केस है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया उन्नीस में और आज भी मोटे मोटे तौर पे यही फॉलो होता है कि अगर कोई अश्लील साहित्य है वो लेखक प्रकाशक विक्रेता सबकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये जो व्यक्ति थे रंजीत उदेशी ये एक बुक स्टॉल के पार्टनर थे उनकी ये जो पार्टनरशिप फर्म थी ये बुक स्टॉल चलाती थी और उस बुक स्टॉल में एक किताब रखी थी लेडी चैटरलीज लवर इसमें बहुत ज़्यादा अश्लील चीजें लिखी हुई थी भारत सरकार द्वारा ये किताब बैन की हुई थी इतनी अश्लील चीजें थी इसमें तो विश्व के कई देशों ने बैन नहीं की थी बट मैंने आपको बताया ना हर एक जगह का अपना अपना कस्टम होता है हर एक जगह का अपना तरीका होता है अपने नैतिक मूल्य होते हैं सो so, भारत सरकार ने इसको बैन कर रखा था राज्य सरकार ने बैन कर रखा था तो जो है ये जो व्यक्ति थे ये कहते नहीं हमें थोड़ी तो हम थोड़ी देख सकते हैं हर किताब में क्या लिखा है अगर आप किताब की दुकान चला रहे हैं तो किताब में अगर कुछ अश्लील है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेखक की है और प्रकाशक की भी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेखक की है प्रकाशक की है और आपकी भी है जो किताब का विक्रेता है सो so, uh, हमारे आई uh, में सूचना ये, ये ये में में ये उल्लेखित है अब जो भारतीय न्याय संहिता नया है उसमें धारा दो में uh, उपसिनिटी उल्लेखित है आईपीसी में 292 में उल्लेखित थी uh, जो आप uh, उपसिनिटी करेंगे हमारे एक्ट uh, में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में धारा सिक्सटी uh, सेवन में ये उल्लेखित है uh, अमरीकी कांग्रेस ने भी अमेरिका की जो कांग्रेस मतलब जो पार्लियामेंट है उनके हाउस ऑफ और सेनेट जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा मिला के हम पार्लियामेंट कहते हैं वो मिला के कांग्रेस कहते हैं अफ्रीकी अमेरिकी कांग्रेस ने भी उन्नीस में न केवल अश्लील सामग्री बल्कि सभी यौन स्पष्ट सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट के इंटरनेट प्रसाद को अपराध बना दिया तो और ये ऐसा देश है ये इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में लाता था तो इन्होंने भी इतना रास्ता तय कर लिया है अमेरिका में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस बहुत फेमस केस है पचास साल पुराना बट आज भी मील का पत्थर है मिलर बनाम कैलिफोर्निया राज्य अश्लीलता को इन्होंने बाकी चीजों से अलग किया है देखिए अश्लीलता यानी कि उपसीनिटी को उन्होंने अलग किया है अभिव्यक्ति अलग तरह की अभिव्यक्ति जो अरुचिकर है जो गलत है गंदी है डिस्टेस्टफुल है वो चलेगी जो रफ है खुरदुरा है वो चलेगी जो एरोटिक है वो चलेगी जो कामुक है वो चलेगी जो विचारोत्तेजक है एवोकेटिव है वो चलेगी आप टिटिलेशन कर सकते हैं आप इरोटिक बात कर सकते हैं आप एवोकेटिव बात कर सकते हैं रफ बात कर सकते हैं गंदी बात कर सकते हैं बट अश्लील बात नहीं कर सकते तो इन्होंने अश्लीलता को इन सब चीजों से अलग किया है और अपने जजमेंट में पूरे तरह से बताया है कि यह उपसीन है यह उपसीन नहीं है डिस्टेस्टफुल बर्दाश्त हो जाएगा रफ बर्दाश्त हो जाएगा आ, जो एवोकेटिव है एरोटिक है टिटिलेटिंग है सेंशुअल है ये सब बर्दाश्त बट ऑब्सिनिटी इन सब से अलग है भिन्न है uh, और ये संचार मूल्य रहित uh, चीज़ें हैं इनको शेयर करने से कोई फायदा नहीं है ये अमेरिका की कोर्ट्स कहती हैं भारतीय कोर्ट्स कहती हैं फ्रेंच कोर्ट्स कहती हैं और इन पर जो है विभिन्न तरह से नियंत्रण करना आवश्यक है इनको नियंत्रित रखना आवश्यक है ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि ये मूल्यहीन है बिल्कुल इस तरह की अभिव्यक्ति शेयर करना ऑप्शीटी शेयर करने से क्या होता है मित्रों कोई आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ वहाँ से कुछ अश्लील तस्वीर आती है कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ उसको आगे मत भेजिए कोई उससे फायदा नहीं है उसको आप तो देख रखना है रखिए डिलीट करना है डिलीट करिए आगे मत भेजिए उससे कोई फायदा नहीं है पर नुकसान हो सकते हैं आ, मित्रों विध्वंसक वकालत यानी कि सबवर्सिव एडवोकेसी की अगर हम बात करें जानबूझकर उकसाना आ, देश के खिलाफ आ, गलत भावना पैदा करना विध्वंसक वकालत एक स्पेशल केस है जो 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 जो, जो हम कंटेंट आधारित नियमों की वैधता को टेस्ट करते हैं वो एक जो अदालत का जो व्यू है इस बारे में उसको दर्शाता है अमेरिकी कोर्ट्स इस मामले में बहुत उदार प्रस्तुत होती है ये एक वाद है उन्नीस का वाद है तो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं आज भी इसको ठीक माना जाता है ओवर रूल नहीं किया गया है के फर्स्ट अमेंडमेंट में लिखा है कि खतरनाक धारणा रखने वाले की वकालत भी आ, सही है उसको आप डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोहिबिशन या प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक निषेध की कार्रवाई नहीं कर सकते कोई कितनी भी खतरनाक बात बोले आप जो है उसको जब तक बात है जब तक कुछ असली में किया नहीं है आप उसको रोक नहीं सकते ये अमेरिका की पोजिशन है हमारी पोजिशन ये नहीं है मैं बस वही बता रहा हूँ सामान्य तौर पे हर देश के जो न्यायालय हैं वो अभिव्यक्ति के रेगुलेशन अभिव्यक्ति के विनियमन को अनुमति तभी तक देते हैं जब तक कोई वास्तविक संभावना ना पैदा हो जाए आ, बस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी है अगर आप विध्वंसक बात कर रहे हैं जब तक कोई वास्तविक रूप से उससे नुकसान नहीं होने की संभावना है असल नुकसान हो जाए वहां तक तो बहुत आगे चली गई बात अमेरिका में असल नुकसान जब तक नहीं है तब तक चलेगा हमारे यहां ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अगर वास्तविक संभावना पैदा हो गई आपको रुकना पड़ेगा ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों अब जो नेशनल इन्फोर्समेंट है राष्ट्रीय प्रवर्तन है उसकी इंटरनेट पे लिमिटेशन है जैसा कि मैंने आपको याहू लाइकरा का केस बताया भौगोलिक सीमाएं जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जोग्राफिकल बाउंड्रीज को इंटरनेट समझता नहीं है आ, इनकी असल दुनिया में समझ है बट साइबर दुनिया में इनकी समझ नहीं है मित्रों ऑनलाइन घटनाओं और भौतिक स्थान क्रिमिनल कहीं पर भी बैठा हो सकता है और घटना को अंजाम कहीं और दे सकता है ईमेल के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से तो ये संबंध जो है ख़त्म करता जा रहा है जो अपराधी की निकटता जो क्राइम सीन है उससे जो जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म करता जा रहा है इंटरनेट पे जो बिहेवियर है नियंत्र उस उस बिहेवियर उस व्यवहार को नियंत्रित करना स्थानीय सरकार लोकल जो सरकार है उनके लिए काफी टेढ़ी खीर है मित्रों ऑनलाइन uh, जो बिहेवियर है उसको उसका जो असर है वो अन्य पहलुओं पर भी देखा जा सकता है uh, जो विश्व भर में जो घटना होती है उसको जो है रेगुलेट करना विनियमित करना स्थानीय सरकार आ, की आ, कितनी क्षमता है कितना वो कर सकता है क्या स्थानीय सरकार को और अधिकारों की आवश्यकता है ये एक चर्चा का विषय बहस का विषय बना हुआ है आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगी इस पर बहस और देखते हैं कि वो सकारात्मक रूप से वो किस तरफ जाए कुछ इसमें से नया निकले इसीलिए मेरा सुझाव जस कोजेंस की तरफ था थोड़ी सी आगे बात करेंगे उस बारे में इंटरनेट को नियमित करने वाले जो रूल्स हैं, जो स्थानीय सरकार की क्या क्षमता है, है।, तो है वो कुछ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रेगुलेशन नियामक मापदंडों की आवश्यकता है क्योंकि देखिए वैश्विक सूचना जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है आ, ये इसने जो एक विरोधाभास पैदा कर दिया है आ, एक तरफ तो डी डिजूरो राज्य जो हैं जो 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 देश हैं वो सोचते हैं हम भाषण को विनियमन सामान्य रूप से कर लेंगे जैसे हम आ, असल दुनिया में करते हैं वैसे इंटरनेट दुनिया में कर लेंगे और असल में क्या होता है डिफेक्टो रूप से इन्फोर्समेंट निरर्थक बन जाता है क्योंकि उनके पास तो सीमा ही नहीं है जैसे कि आपने देखा फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये सीमा ही ये ये अपना जो है इन्फोर्स करा ही नहीं पाए याहू लाइकरा वाले केस में मित्रों तो ये एक विरोधाभास पैदा हो गया है अंतर्राष्ट्रीय आयाम जो है भाषण और भाषण मुक्त आ, फ्री स्पीच को जो है संरक्षण कैसे देता है इसको मजबूत इंटरनेट के माध्यम से फ्री स्पीच और मजबूत भी हुई है इसको इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है फ्री स्पीच को बट ये कमज़ोर भी हुई है क्योंकि इस पर अब रेगुलेशन की बात हो रही है तो फ्री स्पीच को देशों ने रिस्ट्रिक्ट भी किया है मित्रों राष्ट्रीय विधायिका जो है जो 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 पार्लियामेंट है जो 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 जो, 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 जो नए जो लॉ बनाने का जिनका काम है वो हो सकता है इंटरनेट को लेके कानून बनाते जाएं बट इनके जो प्रयास हैं इस पर जो है प्रभावी ढंग से इनको क्या लागू किया जा सकता है इन कानूनों को इन लॉज को इनको क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है ये थोड़ा सा अभी तक तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं तो एक सामान्य सिद्धांत जो एक बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए मैंने बात की थी कि जो पायरेसी होती है जो समुद्री लुटेरे आते हैं तो समुद्र तो बहुत बड़ा है किसी का जो नहीं है तो कोई भी राज्य जो इन लुटेरों को पकड़ लेता है अभी तो कुछ समय पूर्व भारत की नेवी ने जो है सोमालिया से आए पायरेट्स को पकड़ा था आ, हिंद महासागर में तो जो पकड़ लेता है वही उनको अपने कानून के हिसाब से सजा देता है दंडित करता है तो कुछ इस तरह का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट बेस्ड क्राइम्स के लिए भी बनाना चाहिए इससे एक ज़रूर सकारात्मक सोच का निर्माण बट ये आसान नहीं होने वाला है क्योंकि तो कोई भी देश किसी और देश की सुपीरियोरिटी मानता नहीं है आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि टेररिज्म की आज तक पचास साल से विश्व के देशों को टेररिज्म झेलना पड़ रहा है टेररिज्म की आज तक कोई परिभाषा नहीं है इनफैक्ट अगर आप असैसिनेशन की बात करें लोगों को जो गोली मार दी जाती है तो जॉन एफ कैनेडे का असैसिनेशन साठ के दशक में हो गया था तो साठ वर्षों से टेररिज्म है और विश्व भर में टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है एक आदमी टेररिस्ट बोलता है दूसरा आदमी फ्रीडम फाइटर बोलता है तो हम भी वही झेल रहे हैं कश्मीर में हम टेररिस्ट कहते हैं कि जो सीमा पार से आते हैं और वो उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं और वो हमें अत्याचारी कहते हैं तो यही समस्या इसराइल और पैलेस्टीन में है यही समस्या रशिया और यूक्रेन में है तो टेररिज्म को लेके मित्रों कोई जब डेफिनेशन नहीं है तो साइबर टेररिज्म को लेके कैसे होगी इसलिए मैंने कहा ये एक कठिन काम होने वाला है जो आप इंटरनेशनल लेवल पे एक रेजीम बना दें पर बना लेंगे तो बहुत अच्छा है मेरा सुझाव था कि जैस जस कोजेंस जैसे पहले से ही मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कानून की आ, मदद लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करिए और ये एक आ, इसके आधार पे हम एक अंतर्राष्ट्रीय विनियामक तंत्र इंटरनेशनल आ, मापदंड बना सकते हैं जो इम्प्लीमेंट करने में आसान होगा मित्रों जस्ट है क्या आ, आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने अपने इंटरनेशनल लॉ की क्लास में पढ़ा होगा ये एक सम्मोहक कानून है मानदंडों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो प्रथागत जो कंटेम्प्ररी जो ट्रेडिशनल अंतरराष्ट्रीय कानून आ, को नियंत्रित करते हैं अंग्रेजी शब्द है परम्पटरी नॉम इसके साथ परस्पर रूप से अदला बदली के साथ उपयोग में लाया जाता है तो इंटरनेट पर जितनी भी भाषण सामग्री है उसको रेगुलेट करना विनियमित करने के लिए संभावित आदान प्रदान का कार्य ये कर सकता है राष्ट्र के समुदाय में जो सत्यापन योग्य व्यवहार से प्राप्त किया गया है ये पद्धतिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आवश्यक जो भी वास्तविक सहमति प्राप्त करने की क्षमता है वो जस कोजेंस प्रदान करता है कर सकता है और इसको डेवलप किया जा सकता है इस ऑलरेडी आवधा, एग्जिस्ट करती है इस पर आधारित दृष्टिकोण जो है प्रतिबंध के मापदंड को सबसे कम आम भाजक तक सीमित करता है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर सबसे कम आम भाजक तक सीमित करता है और इसलिए जो है इसको कल्चरल इंपीरियलिज्म जो कहते हैं साम्राज्यवाद कल्चरल इंपीरियलिज्म की परिधि में यह नहीं आ सकता और जो हम बाकी चीज़ों को क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये तो दूसरे का लॉ आपने लगा दिया ये तो हमारा लॉ है ही नहीं कल्चरल इम्पीरियलिज्म हो गया तो ये जो है कल्चरल इम्पीरियलिज्म की श्रेणी में नहीं आता है और इस तरह के क्रिटिसिज्म से हम मित्रों बच सकते हैं अंत में मित्रों हम बात करें तो इंटरनेट को रेगुलेट करना सामग्री को विनियमित करना एक टेढ़ी खीर है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है इसको जो है आज तक हम राष्ट्रीय मुद्दा मान रहे हैं ये राष्ट्रीय लेवल पर सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है जो सूचना का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सूचना का जो अधोसंरचना बनी हुई है इन्फॉर्मेशन की जो हाईवे बनी हुई है ये अंतर्राष्ट्रीय पहलू है मुक्त भाषण फ्री स्पीच अधिवक्ताओं और रेगुलेटर्स नियामक दोनों को ये दोनों के सामने जो है अद्वितीय और अप्रत्याशित बाधाएं हैं चुनौतियां प्रस्तुत करता है फ्री स्पीच एक्टिविस्ट और सरकार दोनों को साथ मिलके एक नया कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे देशों के साथ मिलकर बनाना होगा एक अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ही फ्री स्पीच और नियामकों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इनकी जो आज की डेट में शॉर्ट साइटेडनेस है अदूरदर्शिता है इनको जो है दूर किया जा सकता है और इंटरनेट पर भाषण पर जो इंटरनेट पर जो भाषण पर प्रतिबंध है इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना बहुत आवश्यक है क्योंकि दुनिया के देशों के लिए ये जस कोजेंस स्वीकार किया जा सकता है विश्व स्तर पर भी जस कोजेंस लागू किया जा सकता है जस कोजेंस एक वैश्विक सहमति का प्रतीक बन के उगर सकता है आ, ये ये उभर सकता है जस्कोजन्स जो है इसको क्योंकि पेरेंटरी नॉर्म है ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है दुनिया के सभी देशों को सकारात्मक सोच अपनानी होगी और जस्कोजन्स इन सभी को एक सकारात्मक माइंडसेट में बांध सकता है इस समस्या का संभावित समाधान हो सकता है मसौदा तैयार करने में जस्कोजन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकता है इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि कुछ समाधान आ, ये जो इंटरनेट बेस्ड क्राइम्स का जो जूरिस्टिक्शन के अभाव को लेकर जो समस्याएं पैदा होती हैं उसको ये सॉल्व कर सकता है सो so, मित्रों ये तो बात हो गई जो जो इंटरनेट को क्यों सेंसर करने की आवश्यकता है और क्या उसके फायदे हैं या नुकसान हैं हम फिर आपके पास आएंगे एक नया अध्याय लेकर ये साइबर क्राइम्स के कोर्स में आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए स्वयं प्रभा thank you